में कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कविता एक फौजी की बेटी द्वारा लिखी गई है। माना कि उनका मुल्क अलग है, किसी का हिंदुस्तान तो किसी का पाकिस्तान है, पर ये जो जवान है इनका भी तो परिवार है। लहू का रंग लाल यहाँ भी है और वहाँ भी है, और अपने तो सभी को प्यारे होते हैं चाहे जहाँ भी है। क्यों नहीं समझते ये कि घर पर बैठकर टिप्पणी करना तो आसान है, पर सरहद पर शहीद होता एक जवान है। अरे क्यों किसी को लहू की नदियां दिखाई नहीं देती, और क्यों किसी को उनके घर वालों की चीखें सुनाई नहीं देती। डर लगता है गोलियों की आवाज से और डर लगता है युद्ध के आगाज से, क्योंकि वो तो कुर्सी पर बैठे युद्ध का ऐलान करेंगे, लेकिन कीमत जवान भरेंगे और बेमतलब हजारों घर जलेंगे। वो जवान तो युद्ध में भी हंसता है, वो जवान तो युद्ध में भी हंसता है, पर पूछ उस गांव में जाकर जहां उसका परिवार बसता है। अरे तुम पूछ लेते हो कब पड़ोसी मुल्क का जवाब दिया जाएगा, मेरी दादी से पूछो जो इंतजार में बैठी है कब उसका बेटा घर आएगा। वो जवान तो खुशी खुशी शहीद हो जाता है, वो जवान तो खुशी खुशी शहीद हो जाता है, पर उसके पीछे पीछे उसका पूरा परिवार जीते जी मर जाता है। धन्यवाद।